हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज है मंडे, तो हर हर महादेव आप सभी को। और हमारा व्रत है, मेरा और प्रिया का व्रत रहता है मंडे को। और आज मैंने साड़ी भी पहनी है जो कि व्रत की वजह से मैंने कहा चलो पूजा में साड़ी पहन लेते हैं, और साड़ी पहननी भी चाहिए। और हाँ, साड़ी पर याद आया मुझे, एक दो कमेंट आए कि जो मैंने अभी फंक्शन में साड़ी पहनी थी ना, जो मैं गाजियाबाद गई थी सगाई वाला फंक्शन, तो किसी किसी ने तो कमेंट किया है शादी के लिए। वो पूरा वीडियो नहीं देखते ना, तो कि शादी बहुत अच्छी हुई, ये हुआ वो हुआ, तो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं कुछ। और जो देखते हैं पूरा वीडियो, उनका कमेंट आया कि जैसे आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, आप जो भी साड़ी पहनते हो वो अच्छी लगती हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, जो आप लोगों को मेरी साड़ी पसंद आती है। और मैं वैसे भी सिंपल ज़्यादा पहनती हूँ, सिंपल साड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ, जो बहुत ज़्यादा कढ़ाई वढ़ाई वो सब मतलब कम पहनती हूँ, सिंपल ही अच्छी लगती हैं मुझे साड़ियाँ। ज़्यादातर आप लोगों ने देखी होंगी, और काफ़ी हैवी साड़ियाँ जो रखी हुई हैं ना, वो तो मैं पहनती भी नहीं हूँ आजकल, रखी हुई हैं बहुत सारी साड़ियाँ। और सुबह का जो काम है मेरा ख़त्म हो चुका है, बाकी मैंने सब्जी भी बना ली है, और मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है आज 11 बजे के करीब, 11:15 का टाइम हो रहा है। और अब बाकी वैसा काम तो हो चुका है, खाना बनाऊंगी, और सब्जी वगैरह मैंने बना के रख दी है, और काफ़ी सारा काम किचन में भी किया है। तो वो सब करके पहले मैंने पूजा की थी, फिर मैं सब्जी बना के रख के आई थी, और आटा वगैरह सब कुछ मैंने लगा दिया है आज। और मैंने सोचा मैंने कब ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ, और तो चलती हूँ अब किचन में, दिखाऊंगी आपको खोलकर। अब कुकर में सब्जी बनाई है, तो देखती हूँ मैं बन चुकी है कि नहीं, और उसकी सीटी वगैरह भी देखते हैं निकल चुकी है कि नहीं। और बाकी खाना बनाएंगे, तो खाना भी अभी तो कम ही बनेगा, प्रांशु स्कूल जा चुका है, तो उसके लिए लंच वगैरह बना दिया था सुबह ही। और अब खाना देखते हैं, भाऊ जी या मम्मी तो है नहीं है यहाँ पे, तो भाऊ जी हैं, भाऊ जी को और इधर देखते हैं। सब्जी बन चुकी है, थोड़ा सा अभी प्रेशर रह गया है। और हाँ, एक चीज़ दिखाती हूँ आज आपको, जो कि ये मैंने ऑयल गरम किया है, और किस लिए किया है, जो मैं मिर्ची बनाती हूँ ना, जो अदरक और मिर्ची का जो पेस्ट बना के रखती हूँ, तो उसके लिए मैंने तैयार किया है ये। और इसमें जो मतलब जो जैसे हमारे ऑयल में ना झकसी आती है ना, वो नहीं आएगी, तो उसके लिए मैंने ये खूब अच्छे से गरम कर लिया है। गरम करने के बाद में ये जो खटाई होती है ना, आम की खटाई होती है, वो डाल दिया है मैंने। और इसकी जगह ना नमक भी डाल सकते हैं, जैसे नमक की जो डरी होती है ना साबुत वाली, वो भी डाल सकते हैं। और इस वाले ऑयल को हम पराठे में, पूड़ियों में, किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, क्योंकि रिफाइंड जो है आजकल अच्छी नहीं आ रही है ज़्यादातर, या तो देसी घी यूज करना चाहिए, या ये रिफाइंड मतलब ऑयल, सरसों का जो ऑयल होता है। और इधर मैंने आटा वगैरह भी लगा दिया है, तो ये मैंने गरम करके और ठंडा होने के लिए रख दिया, ठंडा भी हो चुका है। तो इसको मैं अभी, जो मिर्ची है ना मेरी, वो भी मैंने ऊपर सुखा दी है छत पर, मिर्ची और अदरक जो है साफ़ करके बहुत अच्छे से ऊपर सुखा दिया है, और उसका भी मैं पेस्ट बना और के ये रखूँगी। सब्जी भी खोल दी है मैंने, और सब्जी भी बहुत अच्छे से बन चुकी है, बिल्कुल पानी वगैरह भी नहीं है, लेकिन इस पे ना भाप आ रही है, क्योंकि अभी खोली है मैंने सब्जी, तो इस वजह से ये भाप आ रही है। और इसमें कमी है अभी धनिया पत्ती की, जो कि बाबूजी नहीं खाते हैं, तो मैं अभी नहीं डाल रही हूँ मैं, और जब बच्चे खाएंगे तो काट के ऊपर से डाल दूंगी फिर, क्योंकि बच्चों को पसंद है, तो उनको डाल दूंगी बाद में। और सब्जी बन के तैयार हो चुकी है, इसमें मटर भी डाल लेती हूँ, लेकिन मटर अभी मैंने छीली नहीं थी, आई तो थी लेकिन छीली नहीं थी, फिर मैंने ऐसी ही सब्जी बना ली, क्योंकि इस तरीके से सिंपल भी अच्छी लगती है। और अब सेक लेती हूँ मैं रोटियाँ। काम वाम करके आ गई थी छत पर, जो कि ये पालक साफ किया है मैंने, ये साफ कर लिया। और ये हरी मिर्च हैं, जो कि अदरक और हरी मिर्च सुखा रखे थे,
तो ये भी सूख चुके हैं, ये साफ़ भी कर लिए हैं मैंने अच्छे से। हरी मिर्च और अदरक इसका पेस्ट बना के रखना है। तो ये सब भी साफ़ कर लिया है और इतना सारा कचड़ा भी निकला है, बहुत सारा कचड़ा निकला है। तो बैठे बैठे धूप में ये सब साफ़ कर लिया और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे दिखाई नहीं दे रहा क्या ऊपर, क्योंकि धूप तेज़ है और अच्छा लग रहा है धूप में बैठने में, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन टाइम नहीं मिल पाता आज साग की वजह से ना, ऊपर आ गई कि ये साफ़ करना है। मेथी पालक मिक्स वाला साग है और इन्होंने अच्छा सा लागे दिया है। बच्चों को समझ में नहीं आता, या तो मुझे जाना पड़ता है या ये पड़ोस में हमारे ये पीछे दीवार है ना, इन्होंने लागे दे दिया था। तो ये मैंने साफ़ कर लिया है और आज ही साफ़ करके रख दूँगी ना कट करके, तो कल फिर बनाऊँगी साग। आज तो नहीं बनाऊँगी, अभी कल बनाऊँगी। तो अगर साफ़ करे हुए रखा है तो फिर जल्दी से फटाफट से बना लो, नहीं तो फिर इस चीज़ के लिए ना बहुत सारा टाइम चाहिए, क्योंकि साग बनाना कोई आसान नहीं है, बहुत टाइम लगता है इसको। एक कड़ी हो और एक साग, इसमें बहुत टाइम लगता है। कड़ी को भी बहुत कम से कम आधे घंटे तक, मतलब बनने के बाद में, उबाल दिलवाने के बाद में भी आधे घंटे तक उबलती रहती है। ऐसे ही इसको होता है, इसको भी बहुत ज़्यादा बहुत देर तक घोट घाट के बनाना पड़ता है। तो अब चलूँगी नीचे, क्योंकि नीचे के काम करना शुरू कर दूँगी अब। यहाँ के लिए जो ये है ना, ये भी पेस्ट बना के रखूँगी अभी, इसका अदरक का और इसका। जैसे कि मैंने सुबह जो है वो ऑयल जो है वो गर्म करके रखा था ना, तो उसको डाल के और इसको पीस के डब्बे में भर के रख दूँगी। और जब भी हम सब्ज़ी बनाएंगे तो एक चम्मच ही यूज कर सकते हैं। पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है ये, और सच में बहुत टेस्टी लगता है। आजकल नहीं है, अभी कुछ दिनों से, तो बच्चों को लग रहा है कि पता नहीं क्या नहीं डाल रही मम्मी। तो मैंने कहा चलो इसे बना के रख लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना थोड़ा अदरक का अच्छा सा टेस्ट आता है और हरी मिर्च भी यूज हो जाती है। वैसे तो हरी मिर्च डालने में ना पता चल जाती है, दांतों के नीचे आ जाती है कभी कभी, कट करके डालते हैं तो, और ऐसे पीस के रखते हैं ना तो बहुत सही रहता है। तो आप चलती हूँ। मिर्ची वाला मसाला जो है मैंने बना के तैयार कर लिया है, मिर्ची और अदरक का जो पेस्ट है ना वो बना के रख लिया है सब्जियों के लिए। और जो एक्स्ट्रा बचा था ना उसमें मैंने, जो लास्ट में बचता है ना उसमें, तो उसमें मैंने बना ली सब्जी। तो आलू टमाटर की सब्जी बनाई है मैंने, और ये मसाला बहुत अच्छा रहता है। वैसे मैं रेसिपी इसकी शेयर कर चुकी हूँ, इसमें ऑयल डाल के और बस ये पीसना होता है। तो मैंने आज सरसों का तेल यूज किया है इसमें पीसने के लिए, क्योंकि इसमें पानी नहीं डालना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि पानी से ख़राब हो जाता है और ऐसे ख़राब। और मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है आलू मटर टमाटर की, और जो मटर है ना वो मैंने छील के रख लिए। और मसाला मैंने दिखाया ही आपको, मसाला जो है बन के तैयार हो चुका है। इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में, और एक चम्मच डाल लो और सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। और ये मेरा दूध भी गर्म हो रहा है अभी, अभी शाम के बज रहे हैं 6। तो सब्ज़ी बना के रख दिया है, आटा मार के रख दिया है, पूजा भी हो गई है मेरी शाम की, जो दीपक जलता है वो भी कर दिया है मैंने। और अब मैं किचन में आई थी थोड़ा सा दूध गर्म करने के लिए, मैंने कहा दूध गर्म कर लेती हूँ। और चलिए मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि वीडियो सुबह से चल रहा है। तो मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।